हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। एंड बच्चों, इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो लाइव हो चुका है ऑलरेडी चैनल पर। अगर आप आई में देखोगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगी और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे सॉल्यूशन वाले वीडियो पर। देखते हैं क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज टू अनडायरेक्शनल लाइट। ओके, नेम करना है सबसे पहले, एंड हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसको नेम भी करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ सिर्फ वन वर्ड आंसर नहीं चलेगा। एंड हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन टेबुलर फॉर्मेट में आपको देना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिक मूवमेंट इन इट्स पार्ट। इसका प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है जियोट्रॉपिज्म की, और जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है अप एंड डाउन वाली, वो डायग्राम में लेबल करके सेपरेटली लिखनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अ स्क्विरल इज इन अ स्कैरी सिचुएशन, इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। ओके, फाइट और फ्लाइट मूवमेंट, स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी सो दैट द स्क्विरल इज एबल टू ईदर फाइट और रन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा आपको 4 मार्क के लिए। थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन लिखना है, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से हार्मोन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, सब डिटेल में लिखना है आपको। एंड यस, आंसर्स डिटेल में लिखना है। अगेन मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है डिटेल में लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे लिख देना है। जो आंसर है टू द पॉइंट लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। अब पहले तो आप केमिकल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करोगे, फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करोगे, उनका डिफरेंस भी बताओगे, कौन सा किस चीज के लिए बेटर है वो लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फाइट और फ्लाइट पे डिपेंड करता है। अ चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड्स हिम एट अ वेरी हाई स्पीड, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स, हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मसल्स चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट। ओके, ये भी स्क्विरल के जैसा ही है, इसका आंसर भी स्क्विरल जितना ही है, बट चीता के बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके सब क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, कैसे CNS प्रोटेक्ट हो रहा है। थर्ड सब क्वेश्चन है, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टरप्टेड इफ द इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, 3 सब क्वेश्चन है, 3 अलग अलग पॉइंट पॉइंट करके आपको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय फर्स्ट पिट्यूटरी सेकेंड थायराइड। अब एंड स्टेटिंग वन मेन फंक्शन ऑफ ईच। अब देखो, वन मेन फंक्शन बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हार्मोन लिखोगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जितने सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं सबको लिस्ट डाउन करना है और उसमें से किसी एक का मेन फंक्शन लिखना है। सेम विथ थायराइड, थायराइड में मेन जितने भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उन सबको ये करना है, आपको लिस्ट डाउन करना है और उसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। उसके बाद नेम द डिसऑर्डर अ पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द अबव मेंशन हार्मोन्स। ओके, तो जिसका मेन फंक्शन लिख रहे हो उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये आपको लिखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड। ओके, टाइमिंग कब रिलीज हो रहे हैं, कौन से अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं हॉर्मोन्स, ये कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, ये आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है। ओके, नेक्स्ट हमको पूछा है, नेम वन ऑर्गन ईच वेयर ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन अ मैन एंड प्लांट। अब देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्लैंड और ऑर्गन में। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गन्स जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारा स्टमक, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स है, ऑफकोर्स ऑर्गन्स है,
बट हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स, एवरी ग्लैंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन. ठीक है, हर ग्लैंड एक ऑर्गन होता है, ये भूलना मत. तो अगर आपको ऑर्गन पूछा है और हार्मोन पूछा है तो समझ लो ग्लैंड्स के बारे में बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू अनडायरेक्शनल लाइट लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग शूट, ऑल्सो नेम द हॉर्मोन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है, अगेन आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन जो पहले हमने किया है, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम है, थोड़ा सा रिपीटेड, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछा गया है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स, स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स व्हेन ट्रैवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द पार्ट. पहला पार्ट हमको लेबल करना है कौन सा, वेयर इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड. सेकेंड पार्ट हमको कौन सा लेबल करना है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स. और थर्ड पार्ट हमको नेम करना है, वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू केमिकल साइन ऑन साइन फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन. ठीक है, ये सब क्या क्या है, इसके नेमिंग्स जो है हमको डायग्राम बना के उसमें डायरेक्टली नेम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ सिनेप्स फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन ऑफ द डेंड्राइटिक एंड एंड अदर न्यूरॉन टेक्स प्लेस बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन. जो फ्लो ऑफ सिग्नल है वो सीधा सीधा क्यों जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है, इसका डिटेल में हमको एक्सप्लेनेशन देना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म थ्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबिलम. ये भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन है तो प्रॉपर आप कॉलम्स बनाओगे और इसके आंसर्स दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट. अगेन अगेन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसका आंसर है बट अराउंड द सेम कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. पहले ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोशन ऑफ सेल डिविजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलांगेशन ऑफ सेल के लिए. 4 सब क्वेश्चन है और प्लांट हार्मोन क्या है उसके लिए 1 मार्क. आप देख रहे हो सबके लिए एक एक, एक, एक मार्क, 5 मार्क का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरोन्स. या सेंसरी न्यूरोन्स क्या है, मोटर न्यूरॉन्स क्या है, ये बताना है हमको, इन दोनों के फंक्शंस बताने. इसका सब क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस. नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच परफॉर्म द फॉलोइंग, सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल कौन परफॉर्म करता है, एंड वॉमिटिंग कौन कौन परफॉर्म करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, ये हमको डिटेल में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट इन दिस लिस्ट इज, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, नेम द पार्ट विच कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस. इसके बाद स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यस, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. हमने देखा पहले सीएनएस और पीएनएस का कंपोनेंट्स पूछे, यहाँ पर सिर्फ पीएनएस का कंपोनेंट्स पूछे. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ओरिजिन्स, इसकी जो है ओरिजिन कहाँ पर आ रही है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं है ना, उसकी ओरिजिन कहाँ से है ये हमको शॉर्ट में बताना है. दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो चैनल पर ऑलरेडी लाइव हो चुका है. आई में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी ऊपर एट द टॉप राइट कॉर्नर. एंड या दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करना मत भूलना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एवरी वन एंड टेक केयर.